यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक उसके फिर से आप सभी लोग हमारे गेम चैनल पर। आज के वाली वीडियो में आप सभी लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग दिव्या कलेक्टर कार्ड को कैसे ले सकते हो, और आप लोग पास है तो आप लोग अपडेट कार्ड ले सकते हो, या फिर आप लोग पास नहीं है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो दिव्या कलेक्टर। ओपी नीचैट वाला फॉर्मूला बताने वाला हूँ और ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरी वीडियोस को मिस आउट ना कर पाओ, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। और हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जाकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लोग जुड़ जाइए, नमन सिन्हा गेमिंग नाम से। वहाँ पर आप मुझे बात कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, या फिर मेरे साथ कोई गेम प्ले चैलेंज भी कर सकते हो। सब चीज़ मैं वहाँ पर करता हूँ, आप लोग से बात भी करता हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई, सब चीज़ कर लेना, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले बात है कि अगर आप लोग दिव्या कैरेक्टर निकालना है तो क्या कैरेक्टर बेटर करता है, चलो पहले हम लोग इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोग अच्छे कैरेक्टर का क्रेट्स खोलोगे तो अभी आप लोग को निकलेगा भाई, या फिर आप लोग ऐसा लगता है कि हम लोग गंदे कैरेक्टर से कार्ड खोलते हैं भाई क्रेट्स को तो एकदम अच्छे अच्छे कार्ड निकलते हैं, अच्छे कैरेक्टर खोलते हैं तो नहीं निकलते। तो देखो ये बात आप लोग गलत, देखो आधी बात आप लोग सही है बट आधी बात गलत है। तो मैंने ही अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि आप लोग जिस कैरेक्टर नहीं खेलते हो, जो खराब है कैरेक्टर, ऐसा मैंने नहीं कहा था, जो कैरेक्टर आप नहीं खेलते हो जो कि मतलब थोड़ा कमजोर टाइप का है, तो उस कैरेक्टर अगर आप क्रेट्स खोलोगे तो आप लोग अच्छे कार्ड निकले, इतना तक मैंने बोला था। बट आप लोग अब लग रहा है कि अच्छे कैरेक्टर का क्रेट्स खोलेंगे तो एकदम अच्छे कार्ड नहीं मिलेंगे, तो ये बात अगर आप सोचते हो तो भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि आप लोग जिस कैरेक्टर नहीं खेलो उससे खेलोगे तो क्रेट्स में तो अच्छे कार्ड मिले, बट अगर आप लोग अच्छे कैरेक्टर से ही कार्ड क्रेट्स खोलते हो तो कार्ड सारे भाई अच्छे अच्छे मिलने की संभावना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं संभावना है। देखो मुझे दिव्या बताया कैसे निकला था, देखो मैं बताता हूँ। मैंने टेक्नो कैरेक्टर को अप्लाई कर रखा था गाइस, टेक्नो कैरेक्टर को अप्लाई करके मैंने गोल्ड क्रेट को खोला था, और तब मुझे जाके मिला था दिव्या, ठीक है। और दिव्या सोच लो मेरे को टेक्नो कैरेक्टर से खोलने में मिला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे कैरेक्टर कैरेक्ट्स खोलेंगे तो आप लोग अच्छे कार्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और मैंने अभी मैं बता रहा हूँ भाई, अभी मैंने टेक्नो कैरेक्टर अप्लाई किया था, और जस्ट अभी भाई मतलब कि 5-10 मिनट पहले गोल्ड रेट को अपना ओपन किया, जिसमें मुझे लॉर्ड मस्क मिल गया 10 कार्ड। कल की वीडियो में मैंने अपग्रेड किया तो लॉर्ड मस्क 7 लेवल में, और आप लोग कल की वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, अभी मेरे पास फिर से 19 कार्ड हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को 10 कार्ड और मिल गए भाई एपिक में। तो अपडेट के बाद जो मतलब कि 2 ही कैरेक्टर कार्ड मिल रहा है गोल्ड क्रेट में, बट 2 कैरेक्टर कार्ड जो मेरे भरपूर मिल रहे हैं भाई, जिससे कि एक बार में हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं उन सबको, और क्वाइन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया भाई। और ठीक है, कल के अनाउंसमेंट के बारे में जिन जिन बंदों को नहीं पता है भाई, वो लोग मेरे जाके वीडियो देख लो भाई कल वाले, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता रखी है अनाउंसमेंट क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट ये कि क्या ट्रॉफीज मैटर करती है हम लोग कैरेक्टर पे। देखो गाइस, ट्रॉफी मैं जहाँ तक कहूँ मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप लोग का गेम प्ले अच्छा होना चाहिए, बस इतना मैं कहूँगा, और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए, तो मैचेस खेलोगे, विंस ज़्यादा करोगे, गेम प्ले बहुत अच्छा रहोगे, दो ही चीज़ भाई सबसे ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से। मैं जहाँ तक आप लोग कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप लोग मैचेस कितना विन किए और आप लोग गेम प्ले कैसा भाई। अगर आप लोग का गेम प्ले होगा भाई एकदम तगड़ा ओपी लेवल का, तो आप लोग को बहुत ही जल्द भाई मिल जाएगा सब चीज़। देखो मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी बात, एक सेकंड में एक बंदे का नाम सर्च करता हूँ भाई यहाँ पे, मैंने उसके भाई मतलब कि देख के रखा था कि मैं आप लोग को इसका ही एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। मतलब उन्होंने बहुत ही कम मैचेस खेले हैं, बट उनके पास दिव्या कैरेक्टर है। देखो मैं दिखाऊंगा, देखो ये माइनक्राफ्ट है, एक सेकंड, ये वाला नहीं था भाई, एक सेकंड भाई, मैंने किसी का तो भाई देखा था जिसमें वो मेरे फ्रेंड भी थे भाई, अभी जस्ट मैंने देखा था और मैंने सोचा तो भाई आप लोग को ही मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड वेट कर लो थोड़ा सा, एक सेकंड। शिवम 555, देखो इन्होंने 508 मैचेस खेले हैं, बट इनके पास दिव्या जो है अभी भी नहीं है, दिव्या कैरेक्टर नहीं है, इन्होंने पास वीर है और टेक्नो है जिनको इन्होंने परचेज किया, और यहाँ पे देखो ओपी गेमर्स है यहाँ पे, देखो इनके पास भी यहाँ पे दिव्या नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई जिन बंदों के पास दिव्या है। अब देखो यहाँ पे टेक्नो 110, यहाँ पे इन्होंने 1084 मैचेस खेले हैं, 517 मैच विन किए हैं, और इन्होंने मतलब कि यही सब किया, 2827 किल्स किया और 2749 डेथ्स है। और देख सकते हो यहाँ पे इन लोग इनके पास इनके 6 लेवल की दिव्या है, बट यहाँ पे इन लोगों के पास जूका नहीं है। और आप लोग जूका के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो, यहाँ पे इनका 6 लेवल की दिव्या है, 4 लेवल का किल शॉट भाई, ठीक है। तो दिव्या कोई मतलब कि उतना ज़्यादा रेयर नहीं है, या फिर मतलब कि एकदम कह लो कि आप लोग जल्दी नहीं मिलेगा। आप लोग नॉर्मली मैचेस वगैरह यहाँ पे मैं आप लोग दिखाता हूँ मैंने कितना मैचेस विन किया था भाई, मुझे मिला था भाई अराउंड 2000 या फिर 2300 मैचेस के लिए, तब मिला था, क्योंकि मैंने ज़्यादा मैचेस विन नहीं किए। देख लो भाई 2817 मैचेस हैं और 1413 मैचेस में मैंने विन किया, 8590 किल्स है एंड 6236 मतलब कि डेथ्स है। और मेरा देख लो भाई अभी तक यहाँ पे मैंने जिस जिस करेक्टर को खोल के रखा है, टेक्नो है, लॉर्डमस है, दिव्या है, और यहाँ पे जूका, किल शॉट, रैंगो, रेजर,
यही सब है भाई। और यहाँ पे मेरे पास डॉन जल्द से जल्द खुल जाए, मेरे टॉफिस आप नजर डाल सकते हो, 6,000 हो चुके हैं भाई, और मैं जल्द से जल्द डॉन खोल के आप लोग वीडियो उस पर डालूंगा, ठीक है भाई। तो मतलब कि आप लोग यही सब चीज भाई करना है अपने, मतलब कि कंटिन्यूसली लगे रहना है। आप लोग अच्छे अच्छे कैरेक्टर कार्ड भी खोल सकते हो, और तो और गाइस आप लोग को रेयर क्रेट भी लेना है, मतलब कि गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा करना है, तगड़ा लेवल का करना है, जिससे कि आप लोग अच्छे अच्छे क्रेट मिलेंगे। और अच्छे अच्छे क्रेट को आप लोगों को मैं एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, नोट करके लिख लो भाई, कि आप लोगों को जब भी कोई गोल्ड क्रेट या प्लेटिनम क्रेट मिलता है तो उसको ओपन करने से पहले एक मैच जरूर खोलो, एक से दो मैच खेलो और उसे विन जरूर कर लिया करो। एक से दो मैचेस खेल के विन करो तो उससे आप लोगों को मतलब कि काफ़ी मस्त मस्त कैरेक्टर कार्ड मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा भाई, बहुत सारे बंदे मतलब विन करके आते हैं और प्लेटिनम क्रेट को खोलते हैं तो उन्हें मिल जाता है डॉन या फिर दिव्या या फिर कुछ भी मिल जाता है भाई, ठीक है। तो आप लोग यही सब काम किया करो भाई, एक दो मैचेस पहले खेल लिया करो, विन कर लिया करो, तब जाके खोला करो गोल्ड प्लेटिनम क्रेट, ठीक है भाई। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई हो, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक ले पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।